नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेटामॉर्फोसिस में आपका फिर से एक बार। और अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी लिटरेचर में, उसमें थोड़ा ब्रेक आया था और वो सीरीज थी चौसर की, जो स्टार्टिंग एज थी उस तक हम कर चुके थे। और आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है कैंटरबरी टेल्स। मैंने कहा था कि कैंटरबरी टेल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। कैंटरबरी टेल्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक समझ कैंटरबरी टेल्स के बारे में बनानी पड़ती है। और LT लेक्चरर वगैरह में जितना कैंटरबरी टेल्स पूछा जा सकता है वो मैं आपको पूरा दे दूंगा। हालांकि नेट में हमें बहुत डीप जाना पड़ता है, तो मैं LT और इसके हिसाब से ये काम आपका नेट में भी पूरा आएगा, लेकिन नेट में कुछ स्टोरीज में भी डीप जाना पड़ता है, बस फ़र्क यही होता है। तो चलते हैं कैंटरबरी टेल्स की ओर। और आपको मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश पीरियड में जो सबसे बढ़िया वर्क चौसर का था, जो सबसे गजब का था, जिसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश पीरियड का शानदार वर्क, वो यही था। और इस कैंटरबरी टेल्स की बात यह है कि कैंटरबरी टेल्स जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो सिंगल यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा वर्क ऐसा है चौसर का जिसमें एक जो है सिंगल यूनाइटेड नेशन यहाँ पर अमेरिका ना समझा जाए, कि पूरी तरह एक नेशन की यूनिटी की बात होती है, जहाँ यूनिटी दिखती है। एक्चुअली ये इसलिए है कि कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने पूरे सोसाइटी के हर एक तबके को, हर एक स्टेटस वाले व्यक्ति को लाने की कोशिश की है। और सोसाइटी में जितने तरीके के लोग मौजूद हैं उन सबको इसमें चौसर ने इनमें दिखाया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कैंटरबरी टेल्स किताब को जानने से पहले समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर जितने भी पोएम्स हैं वो पोएम्स चौसर ने सिर्फ एक बार में कैंटरबरी टेल्स सोच के नहीं लिखी। कुछ ऐसी भी कविताएं हैं, कुछ ऐसी भी पोएम्स हैं जो चौसर पहले लिख चुके थे लेकिन वो छापी नहीं थी, बाद में वो पोएम इसका हिस्सा बनी। तो यहाँ इस वर्क में सबसे बड़ी खास बात यह है कि चौसर इज़ द पेंटर ऑफ सोसाइटी कहा गया, इसीलिए क्योंकि पूरे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को जितना सटीक तरीके से चौसर लाते हैं और जितना सेटायरिक वे में लाते हैं, इतना शानदार सेटायर है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हिपोक्रेसी बहुत थी उस समय। सो कॉल्ड हिपोक्राइट्स जो है, हिपोक्राइट्स वो जिस काम के लिए बने थे वो काम नहीं करते थे, उनका नेचर अलग होता था, उनका जो वर्क है, जो कहने का तरीका है लोगों से और जिसको प्रोजेक्ट करते थे उससे उनका पूरा आचार विचार या उसका नेचर और उनका पूरा लाइफस्टाइल अलग होता था। तो वो अपने आप में खुद एक आयरनी थी, उस आयरनी को बड़े शानदार तरीके से उभारा है चौसर ने इसमें। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होता, कैंटरबरी टेल्स के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल शुरू में, और उसका दूसरा हिस्सा है पूरा स्टोरीज का हिस्सा। तो हमें प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल और स्टोरीज दोनों को समझना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि ये प्रोज नहीं है, दिस इज़ टोटली पोएटिकल वर्क। एंड यहाँ सिर्फ दो चीज़ें प्रोज में हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये पूरा पोएट्री में है, प्रोलॉग भी पूरा पोएट्री में है। अब प्रोलॉग क्या है? प्रोलॉग एक हिस्सा इस किताब का डिसाइड करता है और जिसका दूसरा सिरा अगले हिस्से में निकलता है। वो हिस्सा क्या है प्रोलॉग? तो प्रोलॉग जो हिस्सा है वो एक्चुअली फ्रेम टेल है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझना चाहिए कि जो कैंटरबरी में कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं दे आर वूवन अराउंड ए फ्रेम टेल। अब फ्रेम टेल क्या है? फ्रेम टेल वैसा ही जैसे कि एक घर बनाते वक्त आप बुनियाद, स्ट्रक्चर पूरा छत तक खड़ा करते हैं, ये पूरा फ्रेमिंग हो गई, और उसके बाद आप घर की मेटिकुलस चीज़ें, अंदर जो इंटीरियर होगा वो डिज़ाइन होगा, फर्श टाइल वॉल कलर्स ये सब डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार करता है वो प्रोलॉग है। और प्रोलॉग में क्या है? प्रोलॉग में कुछ ऐसा है कि चौसर इस टेल को जब फ्रेम करते हैं तो वो फ्रेम ऐसे होता है कि कैंटरबरी जो कि सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन है, जहाँ पर पवित्र जगह है उनकी, जो कि T.S. एलियट के मर्डर इन द कैथेड्रल में जो सेंट थॉमस बैकेट है उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, और उनको उनके जो श्राइन में लोग दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि पिलग्रिमेज है, पूरा पिलग्रिम्स वहाँ जाते हैं। तो चौसर कहते हैं कि एक शुरुआत करते हैं कि एक लंदन के बीचों बीच बेसिकली एक इन है जिसका नाम है टैबर्ड इन, टैबर्ड इन भी बोलते हैं, लंदन के बीचों बीच एक टैबर्ड इन है, और टैबर्ड इन में
उसका एक मास्टर या ओनर है जिसका नाम है हैरी बेले। हैरी बेले के इस इन में 29 पिलग्रिम्स आए हुए हैं, 29 पिलग्रिम्स, और ये पिलग्रिम्स सारे लोग जा रहे हैं सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन में। अब हैरी बेले बाई नेचर एक बहुत ही स्मार्ट और श्रूड बिजनेसमैन है, और वो इनसे बात करता है और इनसे इंट्रोडक्शन होता है उसका, और फिर वो बात करता है कि हम सारे लोग जब यहाँ से जा ही रहे हैं इतने लंबे रास्ते में, क्योंकि उन दिनों ग्रुप में चलना पड़ता था, और ग्रुप में इसलिए कि आपको पता है कि कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी तो चोर लुटेरों का भय बना रहता था, इसलिए लोग ग्रुप में यात्रा करते थे। तो जा रहे हैं तो इतना बोरिंग उस समय कुछ एंटरटेनमेंट के और साधन तो नहीं थे, तो कहते हैं हर एक व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि वो दो स्टोरी यहाँ से जाते वक्त सुनाएगा हर एक को, और दो पिलग्रिमेज से आते वक्त सुनाएगा, और जब हम फिर से यहीं मिलेंगे तो जिसकी स्टोरी सबसे शानदार होंगी उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक सफ़र, फ्री सफ़र, यानी कि डिनर उसको फ्री में करवाया जाएगा मेरी ओर से। ये एक समझौता होता है। और तब ये चलते हैं यहाँ से, तो ये एक एक करके स्टोरी सुनाते हैं। तो यहाँ तक जो समझौता हुआ कि सब स्टोरी सुनाएंगे और ऐसा होगा ये होगा, ये पूरा है फ्रेम, फ्रेम टेल। अब इसमें चौसर सारे इस फ्रेम में सारे करेक्टर्स को डिस्क्राइब कर देता है प्रोलॉग में कि कौन कैसा है। बातों बातों में जब सबका इंट्रोडक्शन होता है, वो क्या करता है, उसकी क्या हरकतें हैं, वो कैसे कपड़े पहनता है, उसकी आदतें क्या हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी, वो सारी चीज़ें प्रोलॉग में दे देता है। और फिर जब ये सारा डिसाइड होके वो आगे चलते हैं तो शुरू होती है स्टोरी, जो कि पोएम्स हैं आगे, ठीक है, जो पोएम्स स्टोरी। और शुरू में जो पोएम्स हैं प्रोलॉग है, प्रोलॉग में उनकी बेसिक डिटेलिंग की है चौसर ने, और सोसाइटी में वो कैसे थे ये दिखाया गया है, और सारे लोगों का ये जो फ्रेम टेल है ये बना है। तो अब ये फ्रेम टेल तो ये हो गई कि ऐसा ऐसा होगा। अब इस फ्रेम टेल के अंदर एक एक व्यक्ति अपनी स्टोरी सुनाएगा, तो ये होंगी स्टोरीज जो पोएम्स में होंगी। तो इसलिए इसे फ्रेम टेल का कलेक्शन कहा जाता है, फ्रेम टेल के अंदर ही सारी स्टोरीज का कलेक्शन है। तो बाहर की फ्रेम टेल थी जो अभी तक की मैंने घटना बताई, और उसके आगे जो हर एक व्यक्ति या जो भी व्यक्ति स्टोरी सुनाता है वो होगा आगे का दूसरा हिस्सा इस कैंटरबरी टेल्स का। तो आशा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे, और जो राइटिंग स्टाइल है कैंटरबरी टेल्स की, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आप नोट्स में बता रहा हूँ, वो बेसिकली मैच करती है या रिजेंबल करती है बोकेशियो की डेकामेरॉन में जो राइटिंग स्टाइल है उससे। तो एक तरीके से चौसर उस राइटिंग स्टाइल से इंस्पायर है। और मैंने ये बता दिया है कि ये फ्रेम टेल में पूरा कलेक्शन है स्टोरीज़ का। इसके बाद कौन सी चीज़ है जो हमें कैंटरबरी टेल्स में समझनी चाहिए, उस पर आते हैं। तो पूरी कैंटरबरी टेल्स, एंटायर कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन हीरोइक कपलेट्स एक्सेप्ट टू। जितनी कहानियाँ होती हैं उन कहानियों में सिर्फ दो कहानियाँ ऐसी हैं जो हीरोइक कपलेट्स में नहीं है और प्रोज में है। फिर से एक क्वेश्चन बनता है, और प्रोज में कौन सी दो कहानियाँ? एक तो पी फॉर प्रोज याद करिए, और पी फॉर पार्सन नाम का एक करेक्टर होता है। आपको पता है कि पार्सन्स इक्लेसियास्टिकल करेक्टर्स होते हैं जो चर्च से बिलोंग करते हैं। तो पार्सन की स्टोरी जो है वो प्रोज में होती है, वो पोइट्री में नहीं कहता। और एक टेल जो है चौसर की खुद की होती है, जो वो भी प्रोज में होती है, और चौसर जो टेल प्रोज में सुनाता है वो एक हो गया, और एक आपका पार्सन का हो गया। तो दो टेल्स जो है यहाँ पर प्रोज में है, और चौसर की बेसिकली दो टेल्स हैं इसमें। एक टेल तो है पोइट्री में और उसका नाम है टेल ऑफ थोपाज, और जो प्रोज में है वो है टेल ऑफ मेलिबियस। मेलिबियस की कहानी चौसर की प्रोज में है। अब हम चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि जो जनरल प्रोलॉग की बात हमने की, जो पहला हिस्सा है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि पिलग्रिम्स कितने हैं। तो 29 पिलग्रिम्स हैं, आप बिल्कुल एश्योर रहिए। और जब चौसर को मिलाएंगे तो 30वां चौसर हो गया, और फिर हम मिलाएंगे हैरी बेले को तो 31 हो गया। तो टोटल 31 बेसिकली हो गए हैं, ठीक है, टोटल पिलग्रिम्स की हमने बात की। फिर हम बात करेंगे आगे। अब जो, क्योंकि हर एक आदमी की दो दो कहानियां डिसाइड थी सुनाने के लिए, तो हर एक आदमी को चार सुनानी थी, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसके अंदर जो हो पाता है कि टोटल कहानियां सिर्फ 24 ही ख़त्म हो पाती हैं आने जाने में, 24 ही कहानियां मिल के आती हैं लास्ट में।
और उन 24 कहानियों में से भी 20 कहानियां तो ऐसी हैं, नोट करते जाइएगा, 20 आर फुली नरेटेड, जो पूरी हैं एंड तक, शुरू से एंड तक, एंड 4 आर पार्शियली कंप्लीटेड, यानी कहीं वो 19-20 है, यानी कहीं पर ऐसा लगता है वो ख़त्म हुई लेकिन नहीं भी फीलिंग है, कहीं वो आधी से पहले छूट जाती है, कहीं वो जो है आधी से ज़्यादा सुनाई जाती है। तो स्टोरीज तो हैं लेकिन फुली कंप्लीटेड 4 नहीं हैं और 20 फुली कंप्लीटेड हैं। तो एक ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा, डेटा है, कैंटरबरी टेल्स में आपको डेटा को कलेक्ट करना है, क्वेश्चन डेटाज में से आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इसके डेटा में, वो आता है कि जब स्टोरी सुनाना शुरू होता है दूसरे हिस्से में, तो पहली टेल की शुरुआत कौन करता है। तो फर्स्ट टेल आप नोट कीजिएगा इज नरेटेड बाय द नाइट, वहाँ पर मिलिट्री फिगर होता है नाइट, स्क्वायर भी है और उसका बेटा, लेकिन नाइट जो है वो पहली टेल सुनाता है। और फिर एक क्वेश्चन आएगा कि उसका नाम क्या है, तो उसकी जो कहानी होती है उसमें जो मेजर करेक्टर होते हैं वो पेलमन एंड आर्साइट, पेलमन एंड आर्साइट की स्टोरी है, जो कि एक लड़की के प्यार में दोनों लड़ते हैं और एक की डेथ हो जाती है, एक मारा जाता है। तो पेलमन एंड आर्साइट पहली कहानी है जो नाइट के द्वारा नरेट की जाती है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। बाकी अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, वो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ, जैसे नाइट है, हेबरडेशर है, स्क्वायर है, फिजिशियन है, और डायर है, कुक है, कारपेंटर है, वीवर है, कारपेट मेकर है, शिपमैन है, डॉक्टर है, और जो है पार्सन है, सो मैनी कैरेक्टर्स, लेडी ऑफ बाथ है, और नन ऑफ प्रायरेस है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप एक लिस्टिंग कहीं से भी पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था चौसर ने उनको प्रोलॉग में डिस्क्राइब किया है कि उनकी आदतें क्या थी, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे थे। तो उसमें मैं सबसे पहले नाइट की खूबी बता रहा हूँ। जो नाइट था उसने कई होली वॉर्स में हिस्सा लिया था। अब देखिए होली वॉर्स उस समय होते थे, तो उसमें नाइट्स को जाना पड़ता था, और पहले से जो चर्च भी अपनी पूरी आर्मी रखते थे बेसिकली, क्योंकि चर्च उसमें बड़ा पावरफुल था, रोमन कैथोलिक चर्च के पास बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिसमें उन्होंने अवेयर करने वाले लोगों को भी कई बार मारना होता था, कई बार चर्च को बचाना होता था, तो वो अपनी पूरी आर्मी खुद से तैयार करते थे। तो ये होली वॉर्स में हिस्सा लिया था इसने कई, और इनकी टेल का नाम पेलमन एंड आर्साइट था, ये मैंने बता दिया। स्क्वायर की बात करते हैं, उसकी क्या पिक्यूलैरिटी थी। वो एक तो बेटा था नाइट का, दूसरा उसको गाने का बहुत शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, एंड ही वॉज लवर एंड लस्टी बैचलर। वो एक लस्टी बैचलर था, यानी कि फिजिकल चीज़ों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड था। दूसरा इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है, ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। ये वाला कई बार क्वेश्चन है, आप नोट कीजिएगा, ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। और उनकी जो कहानी का नाम है, उसका जो कैरेक्टर है मेजर, वो है कंबस्कन, द टेल ऑफ कंबस्कन है, और जो ये सुनाते हैं, और ये टेल हमेशा अधूरी रहती है, इनकम्प्लीट टेल है इनकी, जो वो मैंने बताया था कि 4 इनकम्प्लीट टेल होती हैं, उनमें से एक ये भी है इनकम्प्लीट टेल। तो ये रही स्क्वायर की पिक्यूलैरिटी। अब आते हैं तीसरा कैरेक्टर, नन ऑफ प्रायरेस। नन ऑफ प्रायरेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नन ऑफ प्रायरेस की आवाज़ नाक वाली थी, नाक का इनपुट आता था उसमें, शी हैड ए नेजल वॉइस, ऐसा लगता था कि वो नाक से बोल रही है, नाक का इस्तेमाल कर रही है बोलते। वो शाई एंड स्माइलिंग थी, शर्म वाली थी और मुस्कुराती थी, और वो रिलीजियस ड्यूटीज़ के लिए बहुत डिवोटेड थी, और सबसे बड़ी बात थी कि उसके पास एक स्मॉल एक हंटिंग डॉग था जो उसके साथ रहता था, और वो फ्रेंच बोलती थी। ये उसकी कुछ पिक्यूलैरिटीज़ हैं। और वो जो कहानी सुनाती है, उस कहानी की स्पेशलिटी क्या है कि शी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मर्डर ऑफ ए चाइल्ड बाय ए ज्यूज़। एक ज्यूज़ एक बच्चे का मर्डर करता है उसकी बताई हुई स्टोरी में, और ये खुद में एक क्वेश्चन बना है। तो मैं सिर्फ आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ चीज़ों में। अब आते हैं मॉन्क की बारी। मॉन्क जो था उस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आए। मॉन्क की खास बात थी कि वो है तो मॉन्क, देखिए आयरनी भी दिख रही है कैरेक्टर्स में आपको, मॉन्क है लेकिन ही वॉज द लवर ऑफ व्हाट, हंटिंग, शिकार करता था वो, जबकि मॉन्क्स आप जानते हैं कि जनरली काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं, जनरली जनरॉसिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो शिकार करता था, हंटिंग एंड राइडिंग, घुड़सवारी करता था, ये शौक थे उसके। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि
वो हमेशा क्या सोचता था, एक एक्सप्रेशन उसके लिए यूज किया गया है, वो नोट कीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ही ऑलवेज थिंक्स ऑगस्टाइन शुड हैव हिज लेबर टू हिमसेल्फ अलोन. ये कई बार पूछा गया, ऑगस्टाइन शुड हैव हिज लेबर टू हिमसेल्फ अलोन. ये नोट कीजिएगा, ये बार बार उसका तकिया कलाम था, या वो यही सोचता रहता था हमेशा, ये लाइन आई हुई है. उसके बाद एक और करेक्टर है फ्रायर. फ्रायर की कुछ स्पेशलिटी है, मैं उन्हीं करेक्टर्स को ला रहा हूँ जिनकी स्पेशलिटी पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट है, कि उसका सर हमेशा बिल्कुल सीधा रहता था, हिलता डुलता नहीं था, और उसकी आंखें ट्विंकल करती थी, झपझपाती थी बहुत. हिज आईज ट्विंकल्ड एंड हिज हेड राइट स्ट्रेट. एंड वो उसको बहुत अच्छी एक राइमिंग हीरोइक कपलेट में ढाला गया है, हिज आईज ट्विंकल्ड इन हिज हेड राइट एज डू द स्टार्स इन द फ्रॉस्टी नाइट. तो ये हीरोइक कपलेट से उसको डिस्क्राइब किया गया है. और उसकी खास बात थी कि वो अपने खर्चे पे ही अरेंज्ड मैरिजेस ऑफ द पीपल, वो एट हिज ओन कॉस्ट अपने खर्चे पे लोगों की शादियां करवाता था. तो एक तरीके से उसकी फिलेंथ्रोपी थी. और एक और करेक्टर है मर्चेंट. मर्चेंट के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि एक फोक्ड बियर्ड किसकी थी, जिसकी दाढ़ी तीखी थी, ही हैड ए फोक्ड बियर्ड, उसकी एक फोक्ड बियर्ड थी. और जो उसकी स्टोरी का नाम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो सुनाता है स्टोरी ऑफ जनवरी एंड मे. उसमें करेक्टर है जनवरी एंड मे. और ये स्टोरी कई बार पूछी गई कि जनवरी एंड मे की स्टोरी कौन सुनाता है. तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं अभी मर्चेंट पर रोकता हूँ, और अभी इसके बाकी करेक्टर और एस्पेक्ट्स जो हैं कैंटरबरी टेल्स के, वो अगली वीडियो में जारी रहेंगे. यूट्यूब का यही एक जो है थोड़ा एक कह सकते हैं ना कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम खुल के और पूरा लंबी वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो इट बिकम्स बोरिंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पीपल डू नॉट एक्चुअली वॉन्ट टू सी दैट. सो हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम अगले में लाएंगे और आपके लिए भी नोट्स बनाने में आसान होगा. बट कीप ऑन मेकिंग यू नो नोट्स, बिकॉज जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्जाम में. सो गाइज, आई होप दैट you all are relishing the flavor of literature and language with us in Metamorphosis. And एक announcement और है कि lecturer का offline batch भी हम start कर रहे हैं. जो लोग हल्द्वानी या आसपास में, अगर वो आप यहाँ शुरू करना चाहें तो जल्दी हम कर रहे हैं, और within 4-5 days हम शुरू कर देंगे. तो आप ज़रूर contact कर सकते हैं. एक information भी आ रही है कि lecturer पहले होगा, तो lecturer की आप तैयारी करते हैं तो अभी से मेरे साथ जुड़ जाइए. regular test और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी. उसके अलावा मैं lecturer का रेडीमेड कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से इस बार, और इम्प्रूव्ड स्टाइल में. everything is covered in that, चाहे वो comprehension हो चाहे grammar हो, वो भी आपके सामने आने वाला है. तो वेट कीजिए कुछ शानदार अनाउंसमेंट्स का. तो तब तक गाइस, एक बस रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी डिमांड्स को लिखिए. थैंक यू, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और हम लोग 5000 के पूरा कंप्लीट करने वाले हैं सब्सक्राइबर्स का, और आशा है कि आप मुझे इस साल दिसंबर तक 10K सब्सक्राइबर्स देंगे. थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दैट योर कमेंट्स एंड योर सपोर्ट इज माई इंस्पिरेशन. थैंक यू, थैंक्स ए लॉट.